नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 मार्च के बीच कोलकाता में होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना है। इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। बता दें, लखनऊ में 29 मार्च 2022 को हुए पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद नई कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज पहली बैठक होगी, लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रणनीति बन सकती है? जी मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 29 सितंबर 2022 को अखिलेश यादव को दोबारा से ये जिम्मा मिला था, जिसमें अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी की जो कोर कमेटी है उसने फिर एक बार अखिलेश यादव को अध्यक्ष के तौर पर चुना था, जिसके बाद आपको बताया कि 26 जनवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 67 सदस्यों की लिस्ट आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नजर आती है। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 और 19 मार्च को कोलकाता के अंदर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव, साथ ही साथ देश के अंदर में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। मयूरी, इसमें बात की जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों से, लगभग 20 राज्यों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष इसमें शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि इसके कार्यक्रम के बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की तरफ से जानकारी। देश भर से समाजवादी चिंतक कोलकाता के अंदर में एकत्रित होंगे। आपको बताएं कि अगर देखें तो शिवपाल यादव के पार्टी के वापस आने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी के अंदर में राष्ट्रीय महासचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे ही अगर देखें तो समाजवादी पार्टी अपनी जो लिस्ट जारी करती है 67 लोगों की, उसमें 13 राष्ट्रीय महासचिव की घोषणा करती है, नामों की घोषणा करती है। विवांशु, अगर देखें तो अखिलेश यादव का शिवपाल यादव को साथ मिल चुका है और कार्यकारिणी की यह पहली बैठक होगी जिसमें शिवपाल यादव भी शामिल होंगे, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्या कुछ पार्टी में उत्साह देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, आपने देखा कि जब सदन का सत्र चलता था, यह लगभग 12 दिनों का ये सदन का सत्र था, जिसमें कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के एक बार फिर समाजवादी पार्टी में आने से और अपने भतीजा अखिलेश यादव के बगल में बैठकर और उन्हें मजबूती देने का जो एक दृश्य दिखा है, निश्चित तौर पे कोलकाता के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो शिवपाल यादव के पार्टी में वापस आने के बाद लगभग 7 सालों के बाद वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बताएं कि अगर देखें तो शिवपाल यादव लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव और 2024 में निश्चित तौर पे बेहतर प्रदर्शन करेगी पहले से। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक बंगाल में हो रही है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पे समाजवादी चिंतक नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें अलग अलग सेशन चलेंगे। सेशन के अंदर में अगर बात करें तो लोहिया, साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे जो तमाम नेता है पूर्व के, उनके तमाम जो समाज के अंदर में योगदान थे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं को जो तमाम पार्टी के अंदर में उच्च पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही जिम्मा तय किया जाएगा कि 2024
और निकाय चुनाव, साथ ही साथ देश के अंदर में लोकसभा चुनाव से होने वाले विधानसभा चुनाव जिस राज्यों में हो रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी, इसको चर्चा की जाएगी। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अब आपको बताएं कि 17 मार्च से 19 मार्च तक कोलकाता के अंदर में चर्चा होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यकारिणी की पहली बैठक के बाद समाजवादी पार्टी कितना फॉर्म में नजर आती है वो आने वाला समय बताएगा, मगर निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नई टीम के साथ समाजवादी पार्टी पहले से मजबूत नजर आती है। जी दिवांशु, इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे, तो ये कहां कहां से हिस्सा ले रहे हैं? जी अगर बात करें मयूरी, तो इसमें उत्तर प्रदेश समेत बिहार, साथ ही बंगाल, और बात करें तो कर्नाटका, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों से जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो इस कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करेंगे। आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर देखें तो निकाय चुनाव है, साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का पक्ष है उसमें किस मूल्यों को लेकर चुनाव लड़ना है, इस पे चर्चा करेंगे। और बात करें तो अब देखने वाली बात होगी मयूरी कि इस चर्चा से समाजवादी पार्टी को कितना लाभ मिलता है आने वाले चुनाव में, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव, चाहे बात की जाए देश के अंदर में लोकसभा चुनाव, चाहे बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं उसमें इसमें माना जा रहा है कि जैसे राजस्थान के प्रभारी के तौर पर पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा को जिम्मेदारी मिली है, वैसे ही कई दिग्गज बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग राज्यों के प्रभारी और तमाम जिम्मेवारियां जो है उसके भी वितरण पर चर्चा की जाएगी। जी जी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने होली के मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी में दवाओं से लेकर चिकित्सक एवं चिकित्सक कर्मियों की मौजूदगी लगातार बनी रहेगी। जरूरत पड़ने पर त्वचा नेत्र रोग विशेषज्ञ को भी बुलाया जाए, उन्हें ऑन कॉल रखा जाए। पाठक ने ये भी निर्देश सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं अधीक्षकों को दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रंगों के पर्व को मनाने में खास सावधानी बरतें, प्रेम और सौहार्द के पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं, किसी भी तरह के हुड़दंग से बचें। होली पर अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम रखे जाएं, विशेष डॉक्टर ऑन कॉल रहें। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने होली के मद्देनजर निर्देश दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने होली के मद्देनजर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभाल रहे बृजेश पाठक ने होली से पहले एक एडवाइजरी जारी की है, निर्देश जारी की है और उत्तर प्रदेश की जनता से अपील की है कि होली एक प्रेम और सौहार्द का त्योहार है, इसको पूरे प्रेम के साथ मनाए, हुड़दंगई ना करे। और साथ ही बचाव के रूप में जो उत्तर प्रदेश के तमाम जिला अस्पताल हैं, जो CHC हैं, PHC हैं, इनको पूरे अलर्ट मोड में रहने की निर्देश जारी किए हैं। आपको बताएं कि ऑन कॉल जो बड़े डॉक्टर हैं उनको ऑन कॉल रखने की बात कही गई है। और साथ ही अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल, बलरामपुर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साथ ही साथ जो विभिन्न अलग अलग अस्पताल हैं उसको अलर्ट मोड पे रहते हुए और बेड को आरक्षित करने की बात कही गई है। आपको बताएं कि होली के त्योहार में कई जगहों पे ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें बात की जाए तो रोड एक्सीडेंट या मारपीट, ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम अस्पतालों के अंदर में राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात होगी।
साथ ही आपको बताएं कि इस त्योहार में रंगों का त्योहार है और कहीं ना कहीं इसमें लोगों के जो उत्तर प्रदेश या देश के आम जनमानस है उसमें कहीं ना कहीं खबरें आती हैं कि आंखों में चोट लग गई या ऐसी कोई त्वचा संबंधित दिक्कतें आ गई। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में त्वचा रोग विशेषज्ञों को पूरी निगरानी रखने की बात कही गई है। साथ ही अस्पतालों के अंदर में जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनको विशेष तरीके से होली से बचाव को लेकर कि अगर किसी के आंख चोटिल होते हैं तो उन्हें क्विक कैसे सही करें इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर अगर देखें तो जहां एक तरफ का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर पुलिस की गश्त रहेगी। जहां एक तरफ होली है दूसरी तरफ अगर देखें तो मुस्लिम समाज का त्योहार शबे बारात है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए पूरे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ अस्पतालों को अलर्ट किया गया है वहीं प्रशासन भी सड़क से लेकर अब हर जगह पे अलर्ट नजर आएगा। आपको बताएं मयूरी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही ऐसे जो मिश्रित आबादी वाले एरिया है जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं ऐसे जगहों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है कि कोई भी मनचला कोई अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। साथ ही आपको बताएं कि अगर वापस लौटे अस्पतालों की तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जो जिला अस्पताल है उसके डॉक्टरों की छुट्टियों को रद्द करके और उन्हें पूरे अलर्ट मोड में रहने की बात कही गई है। साथ ही जो बड़े डॉक्टर हैं उनको ऑन पोल सलाह देने की बात कही गई है और अगर ऐसी स्थिति बने तो सीनियर डॉक्टर्स को भी बुलाने की आदेश जारी हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक प्रदेश की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुशी प्यार और एक सौहार्द का त्योहार है और इसे रंगों को इस तमाम जो रंग है वो आपके जीवन में खुशियां ले आए, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आम जनमानस पहले के मुताबिक अगर देखे तो अब कहीं ना कहीं होली के त्योहार पर अलर्ट है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद व्यंसु तमाम जानकारियों के लिए। राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाथरूम की जाली तोड़ नाबालिग फरार हुए हैं। नाबालिगों के फरार होने से बाल सुधार गृह और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाथरूम की जाली तोड़ नाबालिग फरार हुए हैं। नाबालिगों के फरार होने से बाल सुधार गृह और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। बाथरूम की जाली तोड़ नाबालिग फरार हुए हैं। नाबालिगों के फरार होने से बाल सुधार गृह और पुलिस पे हड़कंप मचा हुआ है। पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, बाथरूम की जाली तोड़ नाबालिग फरार हुए हैं। नाबालिगों के फरार होने से बाल सुधार गृह और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाथरूम की जाली तोड़ नाबालिग फरार हुए हैं। नाबालिगों के फरार होने से बाल सुधार गृह और पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। पारा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है।
राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सागर लखनऊ में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, राजकीय बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग रफू चक्कर हुए हैं। जी देखिए, ये पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड में ये बाल शिशु गृह है। इसमें तकरीबन रविवार देर रात को 7 जो किशोर हैं वो बाथरूम की जाली तोड़कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद से उनकी फरार होने की सूचना पर पूरे जो बाल शिशु गृह उसमें हड़कंप मच जाता है। उसके बाद से बाल शिशु गृह से एक तहरीर दी जाती है पारा थाने में। उसके बाद से उनकी खोजबीन लग जाती है। खोजबीन के तहत 3 टीमें गठित की जाती है। एक टीमें जो बाल शिशु गृह में जो किशोर हैं जहाँ से वो ताल्लुकात रखते हैं, जो जैसे गोंडा, बहराइच और अन्य ज़िले, वहाँ पर जाती है। और एक टीम जो है जो चारबाग स्टेशन है, आलमबाग स्टेशन है, बस है, रेलवे स्टेशन है, उस पर जाती है। तीसरी जो टीम है वो CCTV फुटेज खंगालती है। तो कुल मिला के जो रविवार देर रात ये किशोर हैं ये फरार हो जाते हैं, और उसके बाद से इनकी खोजबीन में लगातार जो पुलिस टीमें गठित करने के बाद इनकी खोजबीन होती है। हर तकरीबन 24 घंटे के अंतराल के अंदर इन्हें बरामद कर लिया जाता है, किसी को चारबाग से, किसी को गौतमपल्ली से, और फिलहाल सभी जो 7 किशोर थे वो लखनऊ से ही बरामद हुए हैं। चारबाग से, गौतमपल्ली से, हजरतगंज इलाके से बरामद हुए हैं। उसके बाद से उन्हें बरामद करने के बाद पुलिस जो है बाल शिशु गृह में इन्हें दाखिल कर देती है और इन्हें सौंप देती है। सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि एक तरफ एक सुरक्षा की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी लापरवाही आ रही, क्योंकि इससे पहले भी विगत 15 फरवरी की बात है जिसमें 4-5 नाबालिग बच्चियों में से एक की मौत हो गई थी और 4 गंभीर रूप से बीमार हो गए। तो ये बताया गया कि ये निमोनिया के शिकार हैं। और इससे पहले भी 2021 की बात बताऊं तो यहाँ पर भी तमाम जो है इससे पहले भी कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ लोग भागे भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही आती है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बाल शिशु गृह, क्योंकि एक सब उसमें नाबालिग बच्चे होते हैं। तो इसमें कुल मिला के देखा जाए तो प्रशासन से लेकर शासन ने अगर कड़ा रवैया, सख्त रवैया ना अपनाया तो शायद ये घटनाएं आगे भी घट सकती है। मयूरी जी सागर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस तरह से 7 किशोरों का गायब हो जाना। इस पूरे मामले पर बाल सुधार गृह का क्या कुछ कहना है, क्या उनका कुछ बयान सामने आया है? जी, बाल सुधार गृह की तरफ से अभी फिलहाल कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई, ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से ये सामने ये आया है कि वो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने उजागर हो रही, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घटी है। 7 जो किशोर है वहाँ से फरार हुए हैं बाथरूम की जाली तोड़कर, और कहीं ना कहीं ये किशोरों ने शायद पहले से प्लानिंग बना रखी होगी कि ये बाथरूम की जाली कमज़ोर है, इसे तोड़कर फरार हो जाए। और फिलहाल सबसे अच्छी बात ये रही मयूरी की कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, क्योंकि सभी किशोर हैं और सभी कहीं ना कहीं से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे लखनऊ के आसपास ज़िलों से, सीतापुर, गोंडा, बहराइच से ताल्लुकात रखते हैं। और तो कहीं ना, अगर मान लीजिए, मान के चले अगर कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाती है, तो बाल शिशु गृह की तरफ से क्या उनके परिजनों को जवाब दिया जाता, और क्या पुलिस प्रशासन जवाब देता, और क्या सरकार उन्हें जवाब दे पाती? क्योंकि यहाँ देखा जाए बाल शिशु गृह पूरी तरह से एक मान के चलिए पूरी एक छावनी के तरीके बनाया गया है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता, लेकिन एक भागने वाली घटना हुई है। फिलहाल 24 घंटे के अंतराल में 7 जो किशोर हैं उन्हें बरामद कर लिया गया है, ये सबसे अच्छी बात है। पुलिस की तत्परता इसमें दिखी, इंस्पेक्टर पारा तेज बहादुर सिंह लगातार इस पूरी चीज़ों पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, अपनी टीमों को दौड़ा रहे थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सफलता पाई है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।